आज माँ भगवती चार फरवरी की एपिसोड है, तो इसमें ध्यान देना है। श्री देवी मद्भागवत कथा जो भी हुई है और साथ में जो भी यहाँ पर ठीक होते हैं जो भी है सब दरबार में आएंगे, ध्यान देना है। आ जाओ आगे। चलो माता ने कृपा कर दी आपकी। की सेवा माँ भगवती सुख शांति दे समृद्धि दे मनोकामना पूर्ण करें। और जो भी आपको वीडियो आती है ना आप आप चैनल को सब्सक्राइब करवा लो, वीडियो आती है आगे से आगे शेयर करो, दुनिया का भला है कल्याण है। हैंड चेक करवा बोला अपना क्या कर रहे हैं। अगली बार नींबू लेके आओ। ये आपको बेटी कितने साल के बाद हुई थी? 10 साल के बाद। 10 साल के बाद माँ भगवती ने आपको बेटी दी थी। पहले आपके पास बच्चा था कोई? डॉक्टर क्या बोलते थे आपको? डॉक्टर ही बोलते थे कि बच्चा ही नहीं होगा। आप कहाँ से आए हो? देखो मुझे मतलब ना जो कुछ है सब कुछ लाइव है, जो कुछ है आप बताया करो, समझो गौरव का भी भला होता है। माँ का शक्कर पी माँ का ध्यान करो। पुत्र प्राप्ति चाहिए, हो सकती है पुत्र प्राप्ति पर विश्वास है अटल, वो भी हो सकता है माँ के आगे, वो भी असंभव नहीं। ठीक हो जाएगी पर अगली बार नींबू लेके आओ। वहां बड़े देरी से ना आया करो, अब आपने 17 तारीख को जाना नींबू लेके। क्या करते हो अभी? तो कुछ नहीं करता, धन की रेखा कम है तो माता का ध्यान करो, धन माँ भगवती लक्ष्मी कृपा करेगी दया करेगी, अगली बार नींबू लेके आओ सब कुछ कृपा हो जाएगी। आपका दिल जैसे कि मन घबराते और आपका शरीर जैसे जकड़ा रहता है। आपकी कुल माता है कोई घर से बाहर पता है आपको? तो उसकी पूजा पाठ करो सब ठीक हो, अगली बार नहीं भूलो माँ के शक्कर पियो। अब माता जी आगे सबकी बारी है। आपको भी सपने दबाव पड़ते जा रहा, दबाव ज्यादा पड़ता सपने पड़ते, तो माँ का शक्कर पियो, माँ का ध्यान करो सब कुछ ठीक हो जाए। आगे चले गए कुछ भी नहीं, थोड़ा बहुत शरीरिक कष्ट है माँ इस सकल से ठीक कर दे। पहले से आपको अनुभव हो रहा है शरीर में कुछ स्वास्थ्य ठीक हो रहा है?
आगे आपके चलो कभी कभी दोनों ने आगे आना है एक से किसी ने ना सही कहा आधे खड़ो रहे दोनों आप आ जाओ तेरा कैमरा को थोड़ा आना थोड़े एक मिनट क्योंकि दुनिया लाइव देखना चाहती है सबकी यही बात होती है आगे आ जाओ कितने 3-4 साल हुए शादी को 4 साल शादी को हुए हैं और आपका बच्चा नहीं है और मतलब इसमें भाग्य के लकीरों में बड़ा कम नजर आ रहा है तो आप जैसे जैसे उपाय करेंगे ना अगली बार आप ना अगले ही संडे को आओ अगले संडे को आप एक नींबू दो नींबू लेके आना ये बात है ये शक्कर माँ का पिए अगले संडे को मिलो नींबू लेके आओ शनिदेव की ना आपने फेरियां ली है और माँ दुर्गा के लिए ऊपर फेरियां 21 फेरी दुर्गा माँ के लो ओम नमो नारायण ओम नमो नारायण आगे चलेगी सर्वेश्वरी की सेवा सुख शांति देना आओ दिखाइए सच बात बोल कि जैसे कि बात बात पे क्रोध आ जाता है दिल आपका मन भी उचाट सा रहता है मन मन नहीं होता कि मन उचाट हो जाना मिनट में गुस्सा आ जाना मिनट में ठीक है तो बड़े ठीक है तो गलत है तो इतना लगे आप सोचते कि विपत्ति ही पड़ गई घर में ऐसा होता है बच्चे का कसूर नहीं देखो शादी की रस्मों में कुछ किया हुआ कपड़ा काटा गया है आपने देखा कपड़ा आपने देखा पर मुझे लग रहा है कपड़ा काटा गया है और इस कपड़े के कारण ही आपको कष्ट क्लेश है इसके लिए ना आप 21 जगह का लग जगह का पानी लाओ जैसे आपने एक एक जगह का पानी यहाँ से ले लिया फिर दूसरी जगह से ले लिया तीसरी जगह से ले लिया चौथी से ले लिया ऐसे 21 जगह से जितना आप कर सके उतना करेंगे नहीं तो दरबार से मिल जाएगा इनमें बच्चे का योग है मैंने सब कुछ देख लिया ये सब कुछ आपके पड़ोसियों का ही है दूर के नहीं है वो सब पड़ोसी कर रहे हैं आपको वो नहीं देखना चाहते कि आप अच्छे हो रहे हैं अच्छी शादियां हो रही हैं अच्छे फंक्शन हो रहे हैं अच्छे कामयाबी आपकी कामयाबी के रोकने के लिए बड़े हाथ धोगे तो इसका भी हल हो जाएगा आप चिंता ना करो अगले हफ्ते ना अपना पूरा परिवार ना एक एक नींबू अपने अपने साथ ले आओ फिर वो नींबू ऐसे प्रेर के फेंक देंगे जो चीजें लगी वो सब नाश हो जाएगा आपको आगे बता दे कल तो नहीं आप आ सकते ना आप परसों नहीं आएंगे अगले अगले ऐतवार हाँ जी ऐतवार ये जल में पी पीते जाओ आपको अनुभव होना शुरू हो जाएगा आप दिखाइए अपना अगर के मुखिया तो मम्मी आपके अच्छा अगली बार ले आना आपने घर का वो बनाया है चार पे बनाया बस घर बनाने के बाद आपके हाथ पैर खड़े करवा दिए ये बात सच है जब आपने घर बना लिया तो उन्होंने घर की जो मिट्टी होती है ना नीचे घर बनाने की नीबे होती है ना उस नीबों में भी हड्डियां डाल दी है आपने देखी है नीबे होती है नीबे बनाते हैं उसमें भी हड्डी ये वाली बात है तो इसके लिए ना आप अगली बार नींबू ले आओ घर की थोड़ी सी मिट्टी लानी मैं पूरा डिटेल में देखू कि क्या करना है घर की थोड़ी सी मिट्टी लाओ जैसे कि आपका कोई गमला है घर के बाहर अंदर जो भी है थोड़ी सी मिट्टी लाओ बस थोड़ी सी ना आप जितनी कमाई उतनी तो बरकत है नहीं। कमाते चलो फिर जितना कमाओ बचता है सब ठीक हो जाएगा आप चिंता ना आपकी भाग्य के लिए रंग कट कट के एक सर्व शांति सुख होता है ना एक भाग्य के लिए सुख वाली होती है ना जितना सुख परमात्मा दिया उतना है नहीं ना ये वाली बात है तो माँ भगवती का नाम लो माँ भगवती का ध्यान करो माँ देवी पर छोड़ो सब कुछ वो बदल सकती बदलने का मतलब सब कुछ कर सकती है जब आप यहाँ दरबार में जुड़ गए ना
आप एक बार में तो आपको भी सब कुछ हासिल नहीं होगा, अगली बार आएंगे आपको भी थोड़ा ध्यान लग जाएगा, देवी माँ का ध्यान भी लगेगा, कृपा भी होना शुरू हो जाएगी, माता की दया भी शुरू होने लग पड़ेगी। तो औरों को भी प्रचार करो, अपने साथ औरों को भी जोड़ो, औरों का भला चाहो, आपका बहुत भला हो जाएगा। मगर जी ये लड़की, एक एक की लड़की है, वो लड़का मेरा, हाँ जी हाँ जी, ये अभी 32 साल के होगी कम्प्लीट, हाँ। अभी शादी का इनकार कर रही है, जो माता की जोत है इधर से गई थी हमारे घर से। अच्छा फिर यहाँ से तो शादी करने में कौन सा, शादी तो मैंने भी की है, शादी राम ने की, शादी कृष्ण ने की, शादी भोलेनाथ ने की, शादी करने में कौन सी आपत्ति है? तो कृपा होनी चाहिए माता की। आपका क्यों मन नहीं करता, ऐसा क्या है आपका? अपना कोई मन की बात हो तो अपने पापा को बता सकते, ऐसा कुछ भी नहीं है, आपका दिल ही नहीं करता शादी को? चलो मैं आपके पापा की फरियाद याद करूंगा, जैसे आप चाहेंगे हो जाएगा, मैंने तो सब देखना है। इस सृष्टि में आए हैं तो संसार के सब भोग भोगना ही चाहिए, तो जब वो भोगेंगे तो ही 84 से आदमी छूटता है, ये तो स्वयं मद भागवत कथा में हो जाएगी, आपकी सब मनोकामना पूर्ण हो जाएगी। मैंने तभी देखा कि एक रेखा होती है, उसमें कट है, मैं बोलना नहीं चाहता था ना, उसमें कट होती है, जैसे कि पत्नी सुख, पति सुख होता है, तो वो कटी हुई है, तो बन जाएगी वो भी, आप चिंता ना करो। ठीक है जी, आगे आओ, माँ कृपा करें, जबरदस्ती की कोई बात नहीं, जब इनका दिल करेगा शादी तभी होगी, जब माता मनाएगी तो इनका अपना ही दिल करेगा, आप चिंता ना करो, आगे आ जाओ। बाकी बच्चे का हाल में देखता हूँ पहले, सब इनको दे दो ना मौका, एक बार इनको मौका दे दो, मैं सब की बात देखूंगा। जय माता भगवती, सेवा दान स्वीकार करो, इनकी झोलियों में खैर डालो, कृपा कर नहीं बुलाए। बाकी वाले काम क्यों नहीं आए? सर्वेश्वरी स्वाहा, नारायणी स्वाहा, दुर्गे स्वाहा। छाते पानी में डाल दो पूरी, और क्या धूम धूम से आओ, चंडी महाराज बदान के ज्ञान सिंह वाणी में सुनता, बस थोड़ा ही टाइम बचा, कृपा हो कृपा तो हो रही है, आपको दिखेगी ना ना, गवाए था मैंने नहीं, हम हमारे नहीं लाए। अच्छा खुशी से लाए, अच्छी बात है, ये पकड़ो। ओम नमस्कार देवी जयंती महारानी श्री मंगला काली दुर्गे भवानी कृपाणी भद्रे काली क्षमा शिवा धात्री स्वाहा सुधा नमस्तुभ्यं नमो नमः सुरेश्वरी भगवती भवतारिणी सर्व संतारिणी मंगलकारिणी कल्याणी वैष्णो परमेश्वरी माँ कृपा करना भगवती झोली भरना इनके भंडार भरना। जय माता, जय माता। इनका चैनल करवा दो, सब्सक्राइब दीदी करवा लो, करवा दिए, अच्छा पहले माँ का प्रचार करो, माँ की भक्ति करो, आगे से आगे आप शेयर किया करो वीडियो को, माँ भगवती और सुख देती है, शांति देती है, समृद्धि देती है। जय माता दी। और सुनो, वो नींद गिर गया, नीचे हो गया, नीचे हो गया, आधे निकाल तो दूसरा दे दो। अब शांति है आपको? आप देखो है। मुझे तो सब फर्क ही लगता है, जब परमात्मा की चरण में लगेगे ना तो कृपा पे कृपा होती है, बड़ा फर्क है, आगे और फर्क पड़ेगा। ओम ह्रीम मंगला मुखी सर्व दुष्टा नाम वाच मुखम पद्म स्तंभ हम जीव के लिए भूति विनाशल ह्रीम ओम फट स्वाहा। ये बड़ा नींबू लो, ये चलते पानी में प्रवाहित करो। माता बस सपने बहुत जल्दी गलत आते हैं, कोई नहीं, बहुत सपने भी धीरे धीरे कृपा होना शुरू हो गई है, सब कृपा हो जाएगी। ओम सर्वेश्वरी परमेश्वरी अखिलेश्वरी चमुंडा सर्वेश्वरी नमस्तुभ्यं नमो नमः दया निधि धूमावती भुवनेश्वरी पाटलावती अपने ना, ऐसे ऐसे करके डाल पानी में डाल के सब चढ़ा दो, बगलामुखी को धोके ऊपर, बगलामुखी को चढ़ा दो ऊपर, माता बगलामुखी माँ भगवती सेवा दान स्वीकार करो, सुख शांति दो, समृद्धि दो। और सुनाओ आप कैसे हो? पहले से कितना फर्क है?
पहले जरा भी नहीं उठता था, नहीं कभी कभी तो ठीक रहता है, दिखाओ पहले जरा हिलता भी नहीं था, अब कितना हिलता है, पूरा होता आप थोड़ा ऊपर खुद कर, पहले जरा भी नहीं उठता था, यहाँ आके फर्क पड़ा आपको, कभी कभी जब ठीक हो जाते ना पूरी भक्ति करो तो पूरे ही ठीक हो जाएंगे, ओम नहीं मतलब की संतुष्टा नाम वाचो मुखम पदा सम्यम जीव के लिए बुद्धि नाश हीम ओम स्वाहा। कभी कभी जब माता ठीक कर देती है तो सदा ही ठीक कर देगी, ये हमारे कर्मों में ही कुछ त्रुटियां होती हैं, कमजोरियां होती हैं, खामियां होती हैं, जिस कारण भगवान नहीं जल्दी सुनते। चलते पानी में डाल दो, ठीक है आप आ गए, पहली बार आए हो, पहली आते हैं, अब कहां से आए, शादी के बाद दूसरी बार आए, कहां से आए, अब भी आया करो, जब शादी से पहले आते थे अब क्या हुआ, हमारा मंदिर के चैनल है ना देवी माँ का, बार आप सब्सक्राइब करवा लो, इसमें सारे यूट्यूब में जितने भी माता के सत्संग होते हैं और जो आपको कष्ट क्लेश लगे ना वो सब दूर हो जाएंगे, आया करो, अगली बार नींबू लेके आओ, ये कष्ट क्लेश जो भी लगे सब दूर हो जाएंगे, अगले संडे को आओ ना नींबू लेके आओ, आगे आ जाएंगे, वो लाल रेड स्वेटर वाला भी हाँ जी, नींबू तो मैं करूंगा, आपको पूरा इंडिया देख रहा है, निकालो बेटी चश्मे, पहले कितनी थी आपको आंखें, पहले कैसी थी, और सच्ची बोलना हम तो झूठ नहीं बोलते, पहले बिल्कुल ही छुपी हुई थी, अब कितना फर्क है खोलने में, तो आप पूरा माता भगवती का लेप करो, माँ का ध्यान करो, कम से कम ज्यादा लेप करो, जो काम माता खुद करती है अस्पताल वाले डॉक्टर नहीं कर पाते ना करेंगे, वो नींबू के हार ऊपरी डलेगा माता भगवती, हाँ तो धूप हो बना तो वो भी ऊपरी फिरेगा, हाँ ये दे दो माता के आगे दो एक नींबू, ओम धीम बगला मुखी सर्व दुष्टा नाम वाचो मुखम पदम स्तंभ्यम जीव के लिए बुद्धि विनाश धीम ओम पट स्वाहा। अब दीदी उठा, आप उठा लो, आजो जी अब आप आजो, किस खुशी में आया कार्ड, अच्छा बच्ची की शादी है, बेटी की शादी कब है, पहले रिश्ते नहीं होते थे, माता ने कृपा कर दी, जब ये हवन कर गए तो मिनट में कृपा, उसी दिन चलो ये देखो श्रद्धा की बात है 9 साल से नहीं हुआ तो माँ ने कृपा कर दी, बड़ी जल्दी सर्वेश्वरी कृपा बनाओ, यहाँ पर जो ना आ गए उसने सब कुछ पा लिया, समर से मिलेगा आज नहीं कल मिलेगा, मिलेगा जितनी बड़ी बीमारी उतना ज्यादा टाइम, माँ भगवती आपकी बच्ची को अच्छे घर में भेजा है, आगे सुख शांति दे समृद्धि दे, कृपा करें, आप भी दिखाओ चंडी महाराज के लिए संभाल कर थोड़ी सी अड़चन बची है, हो गया और नौकरी जो मिलनी थी वो मिल गई, तीन महीने के बाद वैसे मिल ही गई, अब तो आपको चिट्ठी आएगी और ना क्या, चलो वो जैसे भी है माने वैसे कर दिए, आशीर्वाद है, घबराते क्यों, माँ जब आपके साथ है तो आपको घबराना ही नहीं चाहिए, थोड़ी सी दिक्कत लग रही थी, अब मैंने हाथ भी देखा कि काम तो हो गए बस बचा ही नहीं, सोच रहा है कि कहीं दीदी की शादी से पहले ना आ जाए, पहले बुला ले, आ भी जाएगी ना तो भी चिंता नहीं लेनी, कोई बात नहीं,
मम्मी पापा बैठे, स्वयं जगदम्बा बैठी, ठीक है, माता को सुख शांति दीजिए। जाने से पहले एक बार माँ के दर्शन पास जाना है। माँ भगवती हम संग रह देंगे। जय माता दी। जो इस दरबार में ना हवन करवा गए हैं और जो माता से जुड़ गए उसके बड़े ही ना काम संभाले। दीदी का तो मैंने सोचा कि रिश्ता हो गया, इसका बचा, इसका माँ ने काम कर दिया। कृपा करे छोटे वाले का भी, उसका भी लग गया छोटा वाले। अगर आप तो माता ने चारों तरफ से निहाल कर दी, तो लग गया अभी थोड़ा आशीर्वाद। कोई नहीं कृपा, ये भी कृपा हो गई, लड़की की भी हो गई, छोटे की आप खुशी हो जाएगी। जो विश्वास करता रहेगा उनको इतना देगी, इतना देगी कि जोड़ियों में भी नहीं आएगा। घेरिया ले लेना फिर है माता, बस हो गया जी। हाँ बोलो, दिखाओ हाथ। अचानक मौत को दी हुई गई जी, अचानक दुर्घटना हुई है घर में, बड़ी पहले की बात है। तो ये ध्यान आपने देना चाहिए। और जो कोई बाल बाली लड़की थी उसको पूछते हो आप, वो एक लड़की है, उस लड़की की पूजा पाजा करते हो तो उसकी पूजा में कमी है, उसकी पूजा में सुधार करिए। उसके गंगा जल से स्नान करवाना, जैसे कोई मूर्ति मूढ़ा रखा है, मूर्ति मूढ़ा ना रखा हुआ मोरा होता है, तो जो लड़की का मोरा रखा है उसको पांच रत्नी से स्नान करवाना। पांच रत्नी दूध दही घी शहद डालना, उसका स्नान कराना। जो आपका दिल घबराता ना, काली घबराहट आती है, मन करता है मैं घबरा दे घबरा दे, वो ठीक हो जाएगा। अगली बार ना माता नींबू लेके आओ, और आपके जैसे जो घर में सभी परिवार है उनको सबको लेके आओ। आप पी को, आपको कितना फर्क है पहले से। चलो माता ने कृपा कर दी, घबराता दिल आना नहीं छोड़ा करो। यहाँ पर जो आ गए सो सब कुछ फल पा गए। जय माता दी, सब कृपा करो, आज रहो दरबार में, सब प्रबंध। जय माता।